नमस्कार दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन पूछा है विक्रम खेतान जी ने, और इनका क्वेश्चन है कि मुझे हाइड्रोपोनिक सीड्स कहाँ मिलेंगे और मैं उन्हें कहाँ से परचेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हाइड्रोपोनिक सीड नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। सीड्स सीड्स होते हैं। आप जो जनरल एग्रीकल्चर के लिए, मतलब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के लिए जो सीड्स आप यूज़ करते हो, उन्हीं सीड्स को आप हाइड्रोपोनिक में यूज़ कर सकते हो। हाइड्रोपोनिक सीड्स ये एक, मैं कह सकता हूँ कि ये एक टर्म क्रिएट किया गया है कि सेलर आपको सीड्स बेच सके। अलग अलग मार्केटियर्स ने एक मार्केटिंग टर्म बनाया है, एक गिमिक टर्म है, कि जिसकी वजह से आपको सीड्स एक अच्छे तरीके से बेच सकते हैं, थोड़े प्रीमियम प्राइसिंग में आपको सीड्स बेच सकते हैं। हाइड्रोपोनिक सीड नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। जो सीड्स आपके ट्रेडिशनल फार्मिंग में चलते हैं, वही सीड्स आपके हाइड्रोपोनिक में भी चलते हैं। जनरली अगर आप देखोगे तो सीड बने हुए होते हैं तीन चीज़ों से। एक चीज़ होता है उसका आउटर कवर, फिर सीड्स में होता है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो पहले 7 दिनों के लिए उसे जो लगती है, और उसके बाद एक्चुअल प्लांट, एक प्लांट होता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर सारे सीड्स में एक समान होता है, भले वो सीड ट्रेडिशनल फार्मिंग के लिए यूज़ की जा रही हो, भले वो सीड्स हाइड्रोपोनिक के लिए यूज़ की जा रही हो, भले वो सीड्स एक्वापोनिक के लिए यूज़ की जा रही हो, भले वो सीड एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज़ की जा रही हो, तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसमें फर्क पड़ता है सिर्फ दो चीज़ों का। एक होता है एक ऑर्गेनिक सीड और एक होता है आपका GMO, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप ऑर्गेनिक प्रकार के खेती सब्जी उगाना चाहते हो, तो आपको ऑर्गेनिक सीड या फिर हेयरलूम सीड के लिए आपको जाना चाहिए। अगर आप GMO सीड जाना चाहते हो, मतलब एक ऐसा सीड जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है इस प्रकार कि वो पेस्ट कंट्रोल से विथस्टैंड कर सके, वो अलग अलग प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशन से विथस्टैंड कर सके और एक अच्छा हार्वेस्ट आपको दे सके, तो आप GMO सीड्स के लिए जा सकते हो। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन लोगों में होता है कि ऑर्गेनिक सीड और हेयरलूम सीड में क्या डिफरेंस है। तो ऑर्गेनिक सीड और हेयरलूम सीड में डिफरेंस, एक बेसिक डिफरेंस जो है, हेयरलूम सीड जो होता है वो एक ही जो प्लांट होता है उसका जो फल बनता है, उसके जो सीड से फिर उसका न्यू प्लांटेशन होता है, उसके जो फल आते हैं उसके सीड से फिर न्यू प्लांटेशन होता है। इस प्रकार एक हेरिडिटरी के साथ, एक जैसे कि आप देखोगे एक लाइन के साथ, एक प्रोप्रेटरी लाइन के साथ वो सीड बनता है, उसे कहते हैं हेयरलूम सीड। ऑर्गेनिक सीड जो होता है वो जनरली एक बड़े प्लॉट पे ऑर्गेनिकली खेती की जाती है, उसके जो प्लांट्स होते हैं, उसके जो फ्रूट्स होते हैं, उससे उस सीड को बनाया जाता है। इस प्रकार ऑर्गेनिक सीड अलग होता है हेयरलूम सीड से, और GMO सीड्स लैब में बनाए जाते हैं या फिर लैब में जो प्रोसेस की जाती है उनको, सीड को लेकर उसको और बेटर किया जाता है टिश्यू कल्चर से, अलग अलग टेक्निक से, और उस GMO सीड को मार्केट में अवेलेबल किया जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको किस प्रकार की खेती करनी है, इसके ऊपर सीड का सिलेक्शन अवेलेबल होता है, ना कि आप किस प्रकार की खेती कर रहे हैं उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर सीड मार्केट में अवेलेबल होता है। तो जनरली आप जब भी परचेस करोगे सीड्स को, आपको मेक श्योर करना है कि आप एक, अगर आप कमर्शियली कर रहे हो तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी में सीड्स खरीदने हैं, ना कि छोटे छोटे पैकेट्स 100-150 ग्राम के, आपको 1/2 kg, 1 kg ऐसे पैकेट्स खरीदने हैं आपको, तो आपको बहुत ज़्यादा सस्ते भी पड़ेंगे वो, और उसका इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इनका जो रिजल्ट आएगा वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है छोटे पैकेट से। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जेनरिक सीड जो ट्रेडिशनल फार्मिंग के लिए यूज होते हैं वो, और हाइड्रोपोनिक सीड्स, ये दोनों सेम होते हैं। अगर आपको कोई सीड्स बेचने की कोशिश कर रहा है ये कह के कि हाइड्रोपोनिक टेस्टेड सीड्स है या फिर एक्वापोनिक्स के लिए बनाए गए सीड्स है, तो जनरली वो गिमिक्स है, ऐसे कोई प्रकार की सीड्स एग्जिस्ट नहीं करती मार्केट में। तो ये था आंसर आज के क्वेश्चन का। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन और नए आंसर के साथ। थैंक यू।